मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव, मैं आपका मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में लास्ट मैंने आपको एक्सरसाइज 14.3 दी थी स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 14.4। और ये भी पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ मैं आपके लिए कराऊंगा, कुछ आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है, खुद बनाने हैं, और जो मैं नहीं करा पाऊंगा वो आपके लिए एज एन असाइनमेंट होगा। ये इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो आई होप कि कुछ तो मैं करा दूंगा, अगर कुछ रह जाते हैं तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए 20 तक क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। तो बोला पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को आपको करेक्ट करना है, ठीक है, जो गलत है उनको, और जो सही है तो कोई इशू नहीं है, पहले फाइंड करना है और देन करेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, LHS में आपको गिवन है 4x-5 है, ठीक है, और इधर दे रखा है आपको 4x-5। तो अगर आप इसको करेक्ट करना चाहेंगे तो आप एक साइड ले लेना LHS की, और उसमें आप सॉल्व करना कि 4x हो जाएगा और 4×5=20 हो जाएगा, और इधर अगर आप करते हैं तो 4x-5 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आपको ये होगा कि 4 का आप दोनों से मल्टीप्लाई करो, x से भी और 5 से भी, तो उस केस में ये स्टेटमेंट आएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि LHS इज करेक्ट, ठीक है, RHS इज रॉन्ग, LHS इज करेक्ट, और दैट इज़ वाई ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप और ले लो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ, सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोले 2x2 LHS में जो चीज़ें की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ 5x, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इक्वल टू में आपका गिवन है 4x प्लस में 5x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, 2x का स्क्वायर करना है, 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 9x दे रखा है, ठीक है, 9x है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या गलत है क्या सही है, यहाँ पर 4x है और प्लस में 5 है, यहाँ 4x का स्क्वायर है प्लस में 5x है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों चीज़ें करेक्ट नहीं है। और पहले तो आप इस चीज़ को लीजिएगा, ये इसके इक्वल नहीं है 4x प्लस में 5x के, ठीक है, और यहाँ पर जब इक्वल नहीं है तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ जो है वो करेक्ट है, ठीक है, 4x का स्क्वायर आएगा प्लस में 5x आएगा, ये करेक्ट होगा। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 4x प्लस में 5x दे रखा वो इक्वल टू 9x के है, तो ये चीज़ ट्रू है, आप इसमें इन दोनों को इक्वल टू में शो कर सकते हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 8th क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, 8th तक 9th तक हो जाएंगे। मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, जिसमें सब्सटीट्यूट करनी है हमें वैल्यू x इज इक्वल टू -3, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 हमें पुट करनी है, और वहाँ पर आपको जहाँ गलत है उसका सॉल्यूशन देना है। तो 10th क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पर, 10th क्वेश्चन में आपके एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब पॉलीनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, और बोला इसकी जगह आपको पुट करनी है वैल्यू -3, यानी यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू गिवन है -3, तो जो -3 गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5×- -3 हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5×3 हो जाएगा 5×3=-15, ठीक है, और आपको प्लस में 4, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा 15, और ये प्लस माइनस 15 प्लस में 4, ठीक है, तो 9×4=13 हो जाएगा, 13 में से 15 अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको राइट साइड में जो दे रखा है वो दे रखा है 15, वो आपको गिवन है इक्वल टू में 15, विच इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना कि ये नहीं आएगा बल्कि -2 आएगा, इस चीज़ को आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है 11th पर लेके चल रहा हूँ आपको, 11th क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोनों तरफ क्वेश्चन सारे सेम है, जो चीज़ें गलत है उनको करेक्ट करना है। तो आपको LHS में दे रखा है इस तरीके से y माइनस थ्री का होल स्क्वायर गिवन है, तो y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके इक्वल टू में गिवन है, पहले तो LHS है, इसको एक्सपेंड करते हैं हम, 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये फॉर्मूला होता है a-b के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो आपका LHS यहाँ से निकल कर आ जाएगा
वाई का स्क्वायर प्लस में माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस थ्री टू का 6 प्लस का 6y हो जाएगा। तो ये आपका LHS आ गया। अब RHS हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है। RHS में क्या सॉल्व करके दिया है, RHS दे रखा है वाई का स्क्वायर माइनस में 9। ठीक है, तो इस केस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वाई के स्क्वायर का तो वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस में बी एक में और ए माइनस में बी एक में। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, बेसिकली ध्यान से देखेंगे आप, ये आपका LHS निकला है ये वाला और ये आपका RHS है, दोनों इक्वल टू नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, तो आप लिख देंगे कि इक्वल टू नहीं है, और साथ में जो करेक्ट है वो ये है, सॉल्व करने पे ये आएगा, तो इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, लाइक 15th आप खुद ट्राई कीजिएगा, 16th भी इजी है, 17th आप देख लो या फिर 18th देख लो आप, 18th के बाद मैं 21st और करा दे रहा हूँ। ठीक है, इतने क्वेश्चन काफ़ी होंगे आपके लिए, तो एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई इशू आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लाइव क्लास में भी, और जो हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग है उसके थ्रू भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 18th क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स आपका, 3x है अपॉन में 3x प्लस में 2 है विच इज इक्वल टू दिखा रहा है 1/2, बट ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से काट दो तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर नीचे 2 बचेगा तो 1/2 आएगा, लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, करेक्ट ये कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रीज़न भी आप लिख सकते हो, पहले तो आप रीज़न भी लिख सकते हो, रीज़न अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज 3x प्लस 2 कैन नॉट बी डिविजिबल, कैन नॉट डिवाइड ओनली 3x, 3x प्लस में 2 केवल 3x को डिवाइड नहीं कर सकता, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सो इसलिए एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, नो चेंजेस। सिमिलरली आपका 21st क्वेश्चन है, 7x प्लस 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू गिवन है आपका 7x। यहाँ पर भी ये सोच रहे हैं कि 5 से 5 कट जाएगा और 7x इक्वल टू 7x आ जाएगा, तो ये भी आपको रीज़न देना पड़ेगा कि 5 कैन नॉट डिवाइड, LHS में आपको देना पड़ेगा रीज़न, 5 ओनली कैन नॉट डिवाइड 7x प्लस 5, सो LHS इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कैन नॉट बी चेंज, ये बदलेगा नहीं, रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो मेरे से लाइव क्लास में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।